नपेंगे राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी। लैंड सर्वे पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। गलत जमाबंदी करने वालों में हड़कंप। बिहार में लैंड सर्वे का काम जारी है, इसको लेकर नित नई खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन आज जो खबर आई है वो कईयों की नींद उड़ा देने वाली है, क्योंकि अब बिहार सरकार ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर तगड़ा एक्शन लेने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद राजस्व विभाग के रिटायर हो चुके कर्मचारियों और अधिकारियों से लेकर वर्तमान में काम कर रहे ऐसे लोगों में हड़कंप मच गया है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा माजरा। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने गलत जमाबंदी के एवज में तगड़ी मलाई खाई है या फिर अभी भी खा रहे हैं, अब उनकी चर्बी को कम करने की तैयारी बिहार सरकार ने कर दी है। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उन सभी कर्मचारियों अधिकारियों पर एक्शन लेने का फैसला लिया है जिन्होंने सरकारी जमीनों की गलत जमाबंदी की है, उसकी एवज में मोटी रकम खाई है। बिहार सरकार के इस फैसले की जद में रिटायर हो चुके कर्मचारी और अधिकारी भी आएंगे। अब राजस्व विभाग ने इस मामले में आदेश जारी किए हैं कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कराई जाए। बिहार सरकार ने यह फैसला एक समीक्षा बैठक के दौरान लिया है, जिसमें बिहार के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बिहार के सभी अपर समाहर्ताओं को आदेश दिए हैं कि वो ऐसे दोषियों की पहचान करें जो कि सरकारी जमीनों की गलत जमाबंदी करते आ रहे हैं या फिर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इस फैसले की जद में सरकारी जमीन के अलावा रैयती जमीन यानी प्राइवेट जमीन वाले भी आएंगे। अपर मुख्य सचिव सिंह के आदेश में ये भी कहा गया है कि इस संबंध में जो भी कार्रवाई की जाए उसको विभाग के पोर्टल पर भी सार्वजनिक किया जाए। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है। दरअसल समीक्षा बैठक में ये सामने आया कि सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू के कर्मचारियों के स्तर पर काफी तादाद में जमाबंदी के मामले लंबित पड़े हुए हैं। अपर मुख्य सचिव सिंह ने बिहार के सभी अपर समाहर्ताओं यानी एडिशनल कलेक्टर्स को आदेश दिए हैं कि ये जांच अंचल स्तर पर किया जाए, क्योंकि ये पाया गया है कि अंचलाधिकारी दाखिल खारिज के एप्लीकेशंस को कम पास करते हैं और रिजेक्ट ज्यादा करते हैं। ऐसे में दाखिल खारिज के जो मामले रिजेक्ट हो चुके हैं उसके बारे में सर्कल ऑफिसर्स से 100 लेटर में रिजेक्शन का पर्पस जरूर लिखवाएं। वहीं अतिक्रमण के लंबित पड़े केसेस को सूची भी बनाने के आदेश दिए गए हैं। इस सूची को 4 वर्ग में बांटे गए हैं। पहला 6 महीने का, दूसरा 6 महीने से ज्यादा का, तीसरा 1 साल का और चौथा 2 साल या उससे ज्यादा का। साथ ही ये भी कहा गया है कि सबसे पुराने मामले को प्राथमिकता की लिस्ट 1 में रखा जाए। बिहार सरकार के इस फैसले से राजस्व विभाग के भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप होना लाजमी है। लेकिन इस कार्रवाई की वजह से लैंड सर्वे के काम को लेकर लोगों में काफी विश्वास जगेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।